मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में हुए शामिल। इस अवसर पर सीएम साय ने परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को उनकी जयंती पर किया नमन। इस दौरान सीएम ने कहा, हमारे आदिवासी समाज की उम्मीद को प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूरा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने संत बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर किया नमन। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दी है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्व सीएम बघेल ने कहा, बाबा गुरु घासीदास जी ने सभी मनुष्यों को एक समान देखने का दिया संदेश। दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटने पर सीएम विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी पर दिया बड़ा बयान। सीएम साय ने कहा, किसानों को चिंता करने की नहीं है जरूरत, मोदी की गारंटी पर रखे भरोसा, जितने में खरीदने की बात हुई है उसी दाम पर किसानों से खरीदा जाएगा धान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन सौंपने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। दरअसल रविवार को उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन दाखिल, लिहाजा निर्वाचित होने से पहले रमन ने छोड़ दी है पार्टी की ये जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार विधायक गोमती साय पहुंची पत्थलगांव। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लड्डू और मिठाइयों से तौलकर किया उनका स्वागत। इस दौरान पत्थलगांव को जिला बनाने के लिए विधायक ने कहा कि अब पत्थलगांव को नया जिला बनाने के लिए उन्हें जितनी भी ताकत लगानी पड़ेगी वे अडिग हैं। राजधानी में अब कहीं भी मांस मटन बेचने वालों पर सख्ती से की जाएगी कार्रवाई। निर्धारित जगह के अलावा कहीं और मांस मटन बेचने पर नगर पालिका निगम ने कार्रवाई की दी है चेतावनी। बता दें कि गुरु घासीदास और संत तारण जयंती के अवसर पर रायपुर परिक्षेत्र में स्थित पशु वध पर लगाया गया है प्रतिबंध। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर रतनपुर ओवरब्रिज में 22 स्कूली बच्चों समेत टीचर से भरी बस और स्कॉर्पियो के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में स्कूली बच्चों समेत दर्जन भर लोगों को आई है चोट। घायलों का रतनपुर के अस्पताल में चल रहा है इलाज। बता दें कि पामगढ़ के सभी बच्चे पिकनिक मनाकर लौट रहे थे वापस। बिलासपुर कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल के पास देर रात सड़क पर खड़े चार युवक को नशे में धुत कार चालक ने मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही हुई मौत, जबकि तीन गंभीर रूप से हैं घायल। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया जमकर बवाल। पुलिस ने आरोपी कार चालक को कर लिया है गिरफ्तार।